हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है, इसमें सभी तरह के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, आउटडोर, इनडोर, फूल वाले, सीजनल, परमानेंट। और ये जो मेरी नई शॉपिंग है, वो भी काफ़ी सारे फ्लावर हैं। जैसा कि आप, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, मैं न्यू प्लांट भी खरीदने का मुझे काफ़ी शौक है, और वो भी मैं आज आपको काफ़ी सारे दिखाने वाली हूँ। आइए, लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और आज 14 मई है और हैप्पी मदर्स डे भी है, और सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। और ये देखिए, जैसे ही मैं अपने बगीचे में आई थी आज, तो मुझे सबसे पहले, देखिए जब मैं सुबह आई तो मेरी नज़र सबसे पहले इस फ्लावर पे पड़ी, गुलाब के फूल पे, रेड वाले पे। तो मुझे लगा मेरा गिफ्ट तो मुझे मिल ही गया मदर्स डे पे। ये देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा रेड कलर का फ्लावर है, और रेड कलर के मैंने काफ़ी सारे फूल जो है अपने गार्डन में ऐड किए हुए हैं। तो उनमें से देखो ये आज खिला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। और जो मैंने प्लांट खरीदे, कितने सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने भी पहली बार देखे हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू प्लांट है, मैंने तो पहली बार ही देखा। और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं, इसीलिए मैंने इसको बाय किया कि फूल भी बने रहेंगे और देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसमें बारीक बारीक सफ़ेद कांटे हैं, हालांकि ये हानि नहीं पहुंचाते हमें, बिल्कुल भी नहीं चुभते। तो ये मैंने इसलिए बाय किया है। ये मुझे 100 रुपये का मिला, मगर ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। और इस प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। ये फायर बुश है, और इसमें छोटे छोटे ये लंबे लंबे से ये गुच्छों में फूल आते हैं, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये देखो। और ये प्लांट भी छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, तो इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और एक मैंने ये आलमंडा का लिया है, ये वाला कलर नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये भी लिया है, ये यहीं से लिया है मैंने। ये भी कितना खूबसूरत कलर है, और इस पर बर्ड्स भी हैं, इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और ये देखिए, ये मुसांडा का प्लांट है, फ्लावर प्लांट, तो ये भी कितना खूबसूरत लगता है। और आजकल क्या है, गर्मी से थोड़ा मुरझा से गया, और मैंने तो रिपोर्टिंग भी कर दी है इसकी, क्योंकि ज़्यादा दिन मुझे नहीं रखना है गर्मी में प्लांट को। नहीं तो पहले विंटर में तो मैं 3-4 दिन रखती थी, लेकिन अब तो मैं अगले दिन या उसी दिन कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी से ये ख़राब हो जाते हैं रख के। और एक न्यू प्लांट मैंने ये भी ऐड किया है अपने गार्डन में, ये बालसम का। बालसम का मेरे पास नहीं था, तो ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, और आजकल क्या है, धूप से जल्दी जल्दी ये जो है ये फूल इसके गिर जाते हैं। और मैं तो ये कलर का लाई हूँ, ये बैंगनी और कुछ ये मजेंटा कलर का। और एक प्लांट में ये भी लाई हूँ, बिनका का, ये वाला मेरे पास पर्पल कलर का नहीं था, तो ये हालांकि अभी आज ही आया ये फूल, और मैं कल लेके आई, तो कल इतने ये गंदे से और इस तरह के फूल थे देखो। और मैंने ये देखो, और इतने पीले, सारी पीली पत्तियाँ हो रही थी, और मैंने क्या काम किया, कल ही आते के साथ मैंने इसको शाम को दिन से बने के बाद इसको रिपोर्टिंग किया, और इसको भी रिपोर्टिंग किया। और जो भी मैं प्लांट लाई हूँ सारे ही रिपोर्ट किए मैंने, क्योंकि इतना गर्मी है, अगर हम ये रिपोर्ट नहीं करेंगे इनको तो क्या होगा कि वो पानी ढंग से नहीं ले पाते उसमें, बैग में जो वो थैली होती है, तो इसीलिए मैंने जल्दी फटाफट जो है तेज़ गर्मी की वजह से ये मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। और इस और एक ये मैंने ये वाला न्यू प्लांट खरीदा है, गोमप्रिना, मेरे पास थे पहले से ये वाले, ये वाला कलर नहीं था, मगर ये मात्र 20 रुपये का मिलता है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसमें ये फ्री में ही हमारे बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये बीजों से बड़ा ईजीली तैयार हो जाता, तो इसके बीज जहाँ भी झड़ जाते ये वहीं पर जम जाता, जिस भी गमले में जाएंगे उसी गमले में जम जाते हैं। और एक में ये जीनिया का लाई थी, तो ये छोटा सा प्लांट है, और देखो फूल कितने सारे हैं इस पर, और ये इजी टू ग्रो हो जाता है। और देखो, हाँ एक और दिखाती हूँ, इसमें देखो ये ऑरेंज कलर का भी है, ये येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या हो कि इसमें बिखर गया होगा इसका बीज, देखो इसी के पास ये दूसरा भी जमा है, तो मैं इसको इसीलिए ले आई कि एक के साथ दूसरा भी फ्री में मिल गया, तो ये 20 रुपये का है। और ये क्या है, इजी टू ग्रो होते हैं ये बीज, इसके बिखरते रहते हैं और सूख जाए तो इसी में, अगर झड़ गए तो इसी में जम जाएंगे ये। और ये देखिए, ये टेबल मधुकामनी है, और ये छोटी होती है, तो ये कितनी खूबसूरत लगती है, ये पूरा गमला भर जाता है छोटी सी, ज़्यादा ये ड्वार्फ वैरायटी होती है,
तो ये ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं, मेरे पास दोनों तरह की है, जो लंबी वाली भी और ये छोटी वाली भी। और ये मेरे नीचे रखी है दो गुलाब अभी, क्योंकि मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं करी। तो और एक ये है और एक ये है, एक जैसा ही ये फूल, लेकिन ये मुझे सस्ते पड़े इसीलिए मैंने ये लिए। अच्छा ये देखिए, ये इसका, ये गुड़हल का हिबिस्कस का, ये कलर पहले कैसा था अब कैसे चेंज हो गया इसका, ये धूप से देखो इसका कलर कैसा हो गया, लेकिन अभी भी सुंदर लग रहा है। ये अनियन कलर में चेंज हो रहा है जैसे ऐसे लग रहा है धूप से। और एक मेरा हिबिस्कस का ऑरेंज कलर का इधर भी है देखो, ये वाला, इस पे तो सारे पे बड्स हैं बने हुए पूरे प्लांट पे, लेकिन गर्मी तेज है, धूप है, तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, बस अंदाज से ऐसे। और एक मेरे पास ये वाला हिबिस्कस है, और ये देखिए रेड, मैं बता रही थी आपसे मेरे पास कई सारे हैं, उनमें से एक ये है, तो किसी की लिप्स अलग है, किसी का थोड़ा थोड़ा चेंज है कलर भी। तो इसका देखिए कितना खूबसूरत सा रेड कलर है ये, ये देखिए ये हिबिस्कस का गुड़हल का, ये कुछ अलग है कलर देखो इसका, रेड कलर का। और ये देखो ये पिंक, कितना प्यारा सा छोटा सा फूल छोटे आते हैं, लेकिन इनकी जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पेटल, ये बड़े खूबसूरत होते हैं और कलर भी बहुत सुंदर है, ये बेबी पिंक है। और लगभग मेरे पास हिबिस्कस के ज़्यादातर सारे ही कलर हैं। ये देखो ये वाला, जितनी बार भी मैं इसको देखती हूँ ये कलर चेंज करता है, पिंक कलर का है वैसे और मैरून रेड अंदर, तो ये इतना खूबसूरत है, इतना कलर चेंज करता है ये, मैं देखती हूँ। अब इसमें देखिए एकदम वाइट सा है, तो ये जब भी आता है कुछ कलर चेंज करके आता है। और ये देखिए ये रेड गुलाब है, कुछ ये दूसरे ढंग का है, ये देखो देख के लग रहा हो इसमें कितने पेटल है इसमें, और कितना खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये कुछ अलग ही है। तो मेरे पास रेड बहुत सारे हैं, ऑरेंज कलर का गुलाब भी खिल गया है, कितना खूबसूरत सा। और यहाँ पर ये येलो कलर का भी खिलने वाला है, और भी कई सारे खिलने वाले हैं। और एक ये है गुलाब मेरा मैरून ब्लैक सा, बहुत ही सुंदर कलर है इसका। और मेरी ब्लेडिंग हार्ट पे भी देखो खूबसूरत फूल आ रहे हैं इस समय, कितने प्यारे लगते हैं ये, कुछ पे आ रहे हैं, कुछ पे गिर गए हैं ये रेड कलर के, और कुछ देखो ये अंदर से कैसे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसे ले सकते हैं। और जेरेनियम के देखो कितने खूबसूरत खिले, इसको भी मैं 1 घंटा की धूप देती हूँ, वैसे तो ये छाया में भी चल जाते हैं, तो इस पर सुबह सुबह धूप आती है। और ये मॉइस्चराइजर, ये वाइट कलर के मेरे पास पहले भी दिखाए हैं मैंने आपको, तो ये कई सारे कलर हैं मेरे पास। और ये देखिए ये मेरा ग्रैंडी फ्लोरा पोर्चुला का फ्लोवर, कितना खूबसूरत है ये, डबल सीड में, ये देखिए। तो आज इस पर कई सारे हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं इसके, तो इसीलिए इनको ये ग्रैंडी फ्लोरा कहते हैं ये। और इसमें 2 कलर ये भी मैंने लगाई होगी, तो देखो इसमें ये भी है और ये भी, एक वाइट कलर का हो रहा है मेरे पास, तो अभी वो खिला नहीं है। और मैं अपना ये देखिए हाइब्रिड मैक्सिकम पिटोनिया है, तो मेरे इसमें हाइब्रिड पे तो पहला फूल खिला है, क्योंकि ये छोटे छोटे बेबी प्लांट थे, ये देखिए अभी तो छोटे छोटे हैं इतने, और ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ेंगे अभी। और ये देखिए, और मेरे पास 3 कलर हैं, पिंक, वाइट और ये पर्पल। और ये देखिए बर्बीना भी अभी खिल ही रहे हैं, कितना खूबसूरत सा कलर है। और ये देखिए बर्बीना का ये कलर कितना खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो है सूख जाते हैं फूल, मैंने निकाल देती हूँ और ये फिर खिलने लग जाता है, तो जैसे ये सूख गए इनको निकाल दूँगी मैं, तो ये फिर जो है काफ़ी नई नई ब्रांच निकालते हैं और ये फूल खिलते ही रहते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, कई सारे हैं मेरे पास ये भी। और ये देखिए मेरे गार्डन में अभी पिटोनिया के फ्लोवर भी खिल रहे हैं, और इनकी जो लंबी लंबी शाखाएँ ब्रांच थी वो मैंने सारी कट कर दी, अब देखिए छोटी सी ब्रांच पर कितना खूबसूरत फूल खिला है। और इधर भी ये देखिए ये कुछ बैंगनी पर्पल अंदर से मैरून, इसमें भी कई, कल तो इसमें बहुत सारे फूल आए थे,
और ये देखिए छोटा सा प्लांट बन गया है और फूल कितने सारे, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी मई का महीना है और अभी पता नहीं ये जून जुलाई कब तक चलेंगे, अभी मेरे पास तो ये चल ही रहे हैं। और मेरा ये टिकोमा भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग अभी इस समय इस वाले प्लांट पे, दो पे तो कम हो गई है, तो इस पे पूरे ही प्लांट पे ये देखो कितनी खूबसूरत ब्लूमिंग है, काफ़ी सारा फूल आया इस पे। और ये देखो ये मेरे रडार मैच्योरा, तो इस पे भी कितना सुंदर खूबसूरत सा ट्रम्पेट की तरह ही फूल आता है। और प्लांट छोटा आता है, पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन और बड़ी बड़ी होती है। अब इसको मैंने कम धूप कर लिया क्योंकि दोपहर की धूप इसे नहीं लगाती मैं, बस सुबह शाम की देती हूँ। और ये देखिए ये गोल्डन थ्रेलिस है, और इसको जब अभी तो भरी दोपहर ही है 2 बज रहा, तो लेकिन ये जब मैंने धूप में रखी हुई इसको, लेकिन अब लगता है शायद दोपहर को इसे बचाना पड़ेगा 1-2 घंटे की गर्म धूप पाल जो होती है मई जून की। तो अब ये देखिए इसमें जब मैं शाम को देखती हूँ इसमें इतना खूबसूरत लगता है ये खिला खिला फ्लावर, और अभी भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, हर ब्रांच में इस पर फूल मिलेगा। और ये एक ब्रांच कई दिन तक चलती है, ये देखिए पास से दिखाती हूँ इनके फूल छोटे 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 छोटे, अब पूरा बंचों में खिले रहते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और देखिए इधर का कुछ लुक इस तरह का है, ये देखिए मेरी डबल चांदनी में फूल आने वाला है, इसकी बर्ड्स खिलने वाली हैं, ये नागचमका। और कुछ मेरे यहाँ पर ये भी रखे हैं कोलियश भी, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं इनके। और ये पेंटास का भी रखा है इधर, ये देखो ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन नए वेबर्स के लिए तो ज़रूरी है, उनके लिए तो उनको ही, ये देखो कितना प्यारा सा कलर है, पुराने वीबर से उन्होंने मेरा देखा होगा, अभी तो बल्कि हालांकि कम हो गई इस पर, लेकिन ये बंच दोबारा बन रहे हैं, तो इस पर फिर उसी तरह पहले की तरह ही ये सारे खिल जाएंगे। और जेरेनियम के देखो कितने खूबसूरत खिले, इसको भी मैं 1 घंटा की धूप देती हूँ, वैसे तो ये छाया में भी चल जाते हैं। ये देखिए ये बेबी सनरोज है, और इसमें भी देखो मेरे पास 2 तरह का है, ये वेरीगेटेड है, ये देखो छोटा सा इस पर फूल भी आया हुआ है, और एक बिना वेरीगेटेड है ये वाला, तो इस पर भी फूल अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये बिना वेरीगेटेड है, ये तो मेरे पास बहुत सारा है। और देखो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा किसी के यहाँ तो मैं ये थोड़ा छोटा सा मुझे उन्होंने दिया। ये देखिए एक लिली तो इस पर खिला था, ये जो कट हो रहा है मैंने कट कर दिया था, तो एकदम इसमें जो है दूसरा स्टोक आया ये वाला, तो ये बड़ा तेज़ी से बढ़ा, और उसके बाद देखो इस पर ये फूल भी बन गया, और इसमें 3 फूल खिलेंगे, ये 2 बड अभी पीछे हैं इसके, और पहले वाले में तो 4 खिले थे क्योंकि वो विंटर में खिले थे, और गर्मियों में देखो 3 खिले हैं, तो कितना खूबसूरत ये टाइगर लिली है। और ये जो है फुल सनलाइट में चलता है, इसको हम पूरी धूप दे सकते हैं। और एक हमारा ये है ये बोगनवेलिया, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है, ये भी कोई भी केयर नहीं मांगता, बस इन्हें धूप में रखो और चाहे पानी भी मत दो इनको, तो ये वेरीगेटेड है और ये नॉन वेरीगेटेड है, ये देखो इसमें ये वाइट कलर का फूल रहता है, तो अभी तो ये ग्रीन ग्रीन है और ये वाइट होता, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम के भी एक प्लांट से मैंने, ये मदर प्लांट है, इससे भी मैंने कई सारे प्लांट बना लिए अपने, तो ये खूबसूरत लगता है, ये बास्केट में भी लगा सकते हैं इसको, तो ये देखो कितना लीफ इसकी ग्रीन रहती है, और ये देखो कितना खूबसूरत लुक लगता है इसका। और मेरे पास क्रोटोन के भी 3-4 हैं, एक ये है, मतलब सभी तरह के हैं, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती मीडियम पत्ती सभी तरह के हैं, तो ये डॉट डॉट है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, इसका लुक भी बहुत सुंदर लगता है। और मेरी डांसिंग डॉल में भी देखो कलियाँ भी और फूल भी खिल रहे हैं अभी भी देखो गर्मी में भी। और इधर का लुक कुछ ऐसा है, ये देखिए ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं आपको, बरबीना पे भी आए हुए हैं देखो। और ये मेरा बड़ी वैरायटी का क्रोटोन है, और ये मेरे डेंथस,
और ये आजकल तो पानी में दो टाइम देना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है यहाँ भी। ये भी कई सारे हैं, ये देखिए यहाँ पे छोटे मोटे सारे प्लांट रखे हैं मैंने। और ये जीनिया का है, कितना खूबसूरत कलर है इसका। और यहाँ पर हमारा ये कॉलेज है, इसका कलर इतना प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए एग्लोनीमा डेफिनबेकिया, इसको भी एग्लोनीमा ही बोलते हैं, चाइना एग्लोनीमा और डेफिनबेकिया भी बोलते हैं इसको। ये देखिए कैलरी भी चल रही है हमारी, कैबेज भी, ऑर्नामेंटल कैबेज, छोटे छोटे प्लांट। और ये भी अभी एग्लोनीमा और एक इंडोर प्लांट में, ये भी बहुत खूबसूरत है, इंडोर भी रख सकते हैं, थोड़ा धूप भी लगा दो तो तब भी कोई बात नहीं इस पर। तो ये डेविल्स प्लांट है, तो ये भी देखो, ये वैकबोन भी कहते हैं इसको। तो ये देखो कैसे इसमें पत्तियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, इसमें छोटी 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 एक लाइन से लगी रहती हैं और इसलिए इसको बैकबोन कहते हैं। देखो जैसे ये छोटे छोटे इसमें जैसे बैक में होती है हमारे। और ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लांट, ये इंडोर प्लांट है ये, और कैक्टस की वैरायटी है, पेंसिल कैक्टस बोलते हैं इसको। तो ये इसमें क्या है, पेंसिल की तरह इसमें इतनी सारी स्टिक जैसी लगी रहती है और छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं इसमें, जैसे कि ये इस तरह के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये मैंने बाय किया है और 100 रुपये का। और एक ये देखो मेरे पास पाम भी है, तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है इंडोर प्लांट की भी। और एक ये है, इसका नाम अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। और ये मेरी डेंथस, कुछ थोड़े से इधर रखे हैं मैंने, इनको भी मैंने दोपहर की धूप बंद कर दी है, छाया में रख दिया, थोड़ा सुबह शाम की धूप पड़ती है बस इन पे। और यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट भी रखा है। और ये देखिए ये रबर प्लांट है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखो आप समझ ही गए होंगे इसको देख के, ये मदर थाउजेंड है, इसलिए नाम मदर थाउजेंड है क्योंकि इस पर इतने सारे ये वेवीज होते हैं, पूरी लिप के ऊपर चारों तरफ से वेवीज होते हैं। और इनके कुछ कहते निकाल दिए मैंने और ये अपने आप ही झड़ते रहते हैं, अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जहाँ भी पड़ते हैं ये मिट्टी में, अपने आप ही कोई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखने में भी देखो कितना खूबसूरत लगता है ये। जब भी मुझे हरी मिर्च ज़रूरत होती है, एक या दो की चार की, तो मैं इसी में से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी होती है, बड़ी तीखी होती है और इसमें ऊपर से नीचे तक ये मिर्च लगी रहती है। रेन एलर्जी होती है तो ये बारिश में खिलती है। कितने सारे इसमें जो है बड़ भी आई हुई और कितने सारे फ्लोवर भी आ गए इसमें, देखो कितने प्यारे प्यारे। ये थाईलैंड लिली है, तो कलर देखो इसका पीच कलर है कुछ येलो। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले।